अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने गुरुवार को सदर तहसील का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त अजय कांत सैनी ने फाइलों के रख रखाव और वादों के निस्तारण पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए। अपर आयुक्त ने वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर, मीटिंग हॉल, रजिस्ट्रार कानगो आवंटन सीलिंग, भूमि पत्रावली, विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन, अभिलेखागार रख रखाव सहित कंप्यूटराइज खतौनी रिकॉर्ड रूम, माल बाबू कार्यालय, संग्रह अमीन तथा संग्रह भंडार के साथ साथ सदर तहसीलदार कोर्ट व एसडीएम कोर्ट का मुआयना किया। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित सहित अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा, हमारा 1/11 अब कितनी सी है बताओ। गांव सभा बनाम चंद्र का तोड़ने के लिए132 की लैंड का जो है तो इसका मतलब पिछले साल कितने केस डिस्पोज हुए टोटल मिला के थोड़ा पड़ेगा वो तो मैं कह रही हूँ। मान लीजिए केस चाहे डिस्पोज हो तो पसंद मिला के है नहीं, जैसे सर अभिवादित जो है वो तो कैसे कैसे निकलेगा सभी कोर्टों का अधिकार। ऐसा करिए सीधे सीधे 1 साल का वो निकालिए इसका ऑनलाइन में पिछले साल 28-10-20 मतलब केवल ये है 28-10-20 से है ना 28-10-31 बार ये सर ये जो अभी ये लॉकडाउन के दौरान क्या है राइसिंग बहुत ज़्यादा दो ही मत में जो है और हकीकत ये है कि हम लोग खुद जाके मतलब के भी लेके ठीक है तो वो एक्चुअली हिस्सा तो होता है पर कुछ ज़्यादा पावरफुल आदमी होता है जय मास। अच्छा आप इसके आने वाले जेडी के तो वो चेंज हो गए अब कौन कौन से जो है अभी इसमें क्या चल रहा है कौन सा वाला कौन सा जारी करेंगे प्रपत्र बताइए 36-37-38 बताइए आप आप बताओ जो है क्योंकि अब अगला कोर कराओगे जमीन तो कौन सा प्रपत्र जारी करोगे कर दिया सर की 65 साल से अधिक इसमें कहीं बनाया इसमें जो है गिरफ्तारी वगैरह का कुछ काम मतलब थोड़ा प्रेशर रहता है सर बड़े खतौने वाले तो उसमें सर मैक्सिमम जो बहुत जैसे झारखंडी टुकड़ा नंबर 3 है सर तो बहुत बड़े खातेदार है बहुत ज़्यादा 5,000-6,000 टाइप का सैलरी लोग हैं तो ये मिलते भी नहीं मौके पास रहती है तो अब वो 50% के साथ हमने मुझसे काम चुके सर टाइम बहुत नहीं रहता है तो ये बड़े गाँव है सर वो तो 90% टाइप के सर
हुआ है, जहाँ डिस्प्यूट है सर वहाँ पे भी मतलब कोई काम पूरा हुआ नहीं सर। जितने हैं सर उसमें सरकार से धारण हो रहा है, कुछ डिस्पोज हो रहा है, कुछ हो रहा है करने दिया सर। आज तहसील सदर का इंस्पेक्शन किया है तो क्योंकि हमारे माननीय राजस्व परिषद के निर्देशों में हर शीतकालीन के में जो है तहसीलों का निरीक्षण होता है और हमारे तीन मेरे साथ में दो अपर आयुक्त और हैं तो सबके सब लोगों ने हमने टोटल जो है 12 तहसीलों का इंस्पेक्शन करा रहे हैं। और तहसील में आज सबसे पहले मैं कर रहा हूँ, उससे पहले हमारे हरिओम शर्मा जी ने जो है तहसील चौरी चौरा का निरीक्षण कराया गया है। वैसे क्योंकि राजस्व परिषद के जो निर्देश होते हैं उस निर्देश के अनुसार जो है हमारे राजस्व के काम बेहतर तरीके से हों और जो शासनादेश है और जो नियम है नियम के अनुसार हो, परंतु बीच बीच में क्या होता है कि हमारे कर्मचारी थोड़ा ढिलाई से का जो है इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग निरीक्षण करते हैं तो निरीक्षण में ये सबसे पहली चीज़ें देखी जाती हैं। मेरे द्वारा जो है अभी अमीनों के सर्विस बुक और उनके जीपीए पासबुक वगैरह का देखा, जो है हमारे संबंधित लिपिक ने जो है लगभग सारी एंट्रीज़ कर रखी थी, तो अपने आप में अच्छा लगता है कि कम से कम अपने कर्मचारियों का क्योंकि सर्विस मैटर जो है बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, वह अधूरा रहता है तो उसे कई सारे नुकसान होते हैं। परंतु इस सर्विस बुक में एक ही कमी मुझे दिखी कि उनके परिवार का जो विवरण है वो सर्विस बुक में नहीं है। मैंने एक निर्देश दिया हुआ है कि 7 दिन के अंदर उसको हर सर्विस बुक में परिवार का विवरण जो है चस्पा करा दिया जाए, जिससे भविष्य में होने वाले विवाद ना हो सकें। इसके अलावा तहसील का तहसीलदार की कोर्ट का भी निरीक्षण किया गया और उस कोर्ट में जो कई सारी पत्रावलियों में जिस तरीके से होना चाहिए थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा लापरवाही सी दिख रही है, परंतु जो छोटी छोटी गलतियां हैं छोटी छोटी गलतियों के लिए जो है संबंधित कर्मचारी को भी बताया है कि इसे सुधार करके बेहतर तरीके से करें। और जो है इसकी जो इंस्पेक्शन करने के बाद जो कार्यवृत्ति बना के दी जाती है उसके बाद इसका अनुपालन मांगते हैं, तो ये थोड़ा विस्तृत होता है और विस्तृत में एक एक पॉइंट पर इन लोगों से जानकारी ली जाएगी। और अभी हम लोग समीक्षा कर ही रहे हैं, समीक्षा करने के बाद जो है कुछ और लापरवाही जो है पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी।